हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने स्टार्ट कर लिया था बीए वाणिज्य व्यवस्था संचालन, इसको हम बीए बोलते हैं। और यह हमने कल शुरुआत इसकी कर दी थी, प्रस्तावना करी, फिर हमने इसके आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी ली कि आर्थिक प्रवृत्ति क्या होती है और अनार्थिक प्रवृत्ति क्या होती है। उसके अंदर हमने धंधे का उद्देश्य पढ़ा कि धंधा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अब धंधा उद्देश्य के लिए किया जाता है, फिर उसका लाभ क्या होते हैं और उसके द्वारा जोखिम किस प्रकार होती है, इन सब की जानकारी हमने कल ली। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इसका व्यवसाय का अर्थ कि व्यवसाय होता क्या है। प्रोफेशन, व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा सेवा देकर बदले में फीस प्राप्त करता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो क्यों करता है, उसके बदले उसे पैसा चाहिए, इसलिए वो काम करता है। और उसी प्रवृत्ति को हम क्या कह देते हैं कि ये इसका व्यवसाय है। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को उस व्यवसायिक संगठन का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है, यानी व्यवसाय में उस व्यक्ति को वहाँ पर रहकर काम करना पड़ेगा, तब उसे उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, फीस मिलती है। संगठन के द्वारा स्थापित आचार संहिता के स्तरों का पालन, अब वहाँ जब रह रहे हैं तो वहाँ के नीति नियम का पालन भी करना पड़ता है। उदाहरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सेवा देने वाले को सीए की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब जो व्यक्ति जहाँ पर काम करता है उसके अनुसार उसे योग्यता मिलनी भी आवश्यक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है, यानी इसको सीए की डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। डॉक्टर, वकील, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि व्यवसाय व्यक्ति कहलाते हैं। व्यवसाय योग्यता उपयोग नौकरी में भी किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर किसी अस्पताल में वेतन के बदले में कार्य स्वीकार करे तो वह नौकरी भी कर सकता है, और या फिर वो क्लिनिक खोल के बैठ जाए, अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए, तो ये उसका व्यवसाय भी हो सकता है। अब है इसके लक्षण या लाभ, व्यवसाय से क्या क्या लाभ होते हैं। व्यवसायिक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशल और व्यवसाय का शिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जानते ही नहीं है, समझते नहीं है और व्यवसाय खोल लिया। इसके लिए व्यक्ति को वो ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, काम करने का तरीका आना चाहिए और उसको उसके प्रति शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए, जब ही जाके वो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। दूसरा है, सेवा के बदले में फीस प्राप्त की जा सकती है। व्यवसाय व्यक्ति के फीस का प्रमाण उसकी योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग होता है। जिसको जैसी जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता है उसके अनुसार ही उसे फीस प्राप्त होती है। तीसरा है, व्यवसाय व्यक्ति का प्रारंभिक उद्देश्य सेवा होता है। सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है सेवा देना। अब ऐसा नहीं है कि सेवा दे रहा तो फ्री में देगा, लेकिन सेवा के बदले में उसे पैसे चाहिए, यानी फीस चाहिए, लेकिन उसका प्राथमिक पहला उद्देश्य क्या होता है, सेवा देने का ही होता है। चौथा है, आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रक्रिया। अब वो आय प्राप्त करने के वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो काम करेगा तो उसके बदले में उसे पैसा प्राप्त करना है, फीस लेनी होती है। पांचवा है, व्यवसायिक प्रवृत्ति का उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता। अब ये व्यवसायी है उसका, तो इसको उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन विविध व्यक्तियों की निजी और धंधा की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। उदाहरण, वकील फीस प्राप्त करके मुवक्किल के लिए कोर्ट में केस लड़ता है, ये काम जरूर करता है वो, कि उस अगर एक कोई वकील है और किसी मुवक्किल को उसका केस लड़ना है, मुवक्किल का केस लड़ना है, तो उसका वो कोर्ट में सारे काम भी करेगा, लेकिन उसके बदले में क्या करेगा, वो फीस प्राप्त करेगा और सेवा भी कर रहा है और फीस भी मिल रही है। सिक्स पॉइंट है, किसी भी व्यवसाय संगठन को निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है, यानी कानून के द्वारा जो उसके व्यवहार है उनका जो भी नियम है, कानूनी रूप से नीति नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। सेवन पॉइंट है, व्यवसाय से प्राप्त होने वाला वित्तीय प्रतिफल है निश्चित होता है। अब ये व्यवसाय है तो जो लाभ प्राप्त होगा वो एक फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी केस में ज़्यादा मिल सकते हैं, किसी केस में कम मिल सकते हैं, यानी उनका प्रतिफल निश्चित नहीं होता है। ये अभी हमने पढ़ा व्यवसाय, अब हम पढ़ेंगे रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं, रोजगार यानी नौकरी। रोजगार निश्चित वेतन के बदले में दूसरे के साथ समझौते के अनुसार सौंपे गए कार्य करने की आर्थिक प्रवृत्ति को
रोजगार कहते हैं, यानी जब हम कहीं पे काम करते हैं उसने हमारी सैलरी फिक्स कर दी तो वो हम वहाँ पे नौकरी करते हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य करते शिक्षक, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग टीचर्स ही हैं, तो हमारा उन्होंने एक साल तक हमको नौकरी देने के बदले में जो भी वेतन था उन्होंने वो फिक्स कर दिया। अब हमें वहाँ पर सेवा भी देनी है उसके बदले में, क्योंकि हम उनकी बात से सहमत हैं, यानी एक दूसरे से समझौता भी किया है नौकरी करने के लिए, यानी वो जो काम दे रहे हैं उसको करने के लिए, और उसके बदले में हमें वहाँ पे से सैलरी प्राप्त होती है। इसके लाभ, रोजगार में शारीरिक या बौद्धिक श्रम के बदले में निश्चित समय पर निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है। अब इसमें क्या है, हम शारीरिक वेतन कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, हमारी मेहनत हो रही है, हम बोल बोल करते रहते हैं, उसके बदले में उन्होंने हमें निश्चित समय भी होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी जा सकते हैं कभी भी आ सकते हैं, लेकिन निश्चित समय के दिया हुआ होता है, उसके बदले में हमें वो वेतन का भुगतान करते हैं। सेकंड पॉइंट है, रोजगार में निश्चित वेतन के अलावा अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे चिकित्सा भत्ता, पेंशन। कई जैसे स्कूल वगैरह होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, इसमें क्या होता है कि जैसे सेवा पूरी हो गई तो वेतन भी मिलता है इनको, और उसके बदले में इनको पेंशन की सुविधा भी मिलती है, चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, ये सब गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है, रोजगार में समझौते के अनुसार रोजगार देने वाले के अधीन रहकर सौंपा गया कार्य करना होता है। अब जहाँ नौकरी करना है तो उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, यानी जो समझौता हुआ है अब उससे आप पल नहीं सकते, यानी जो वो काम वो देंगे वो करना ही होता है। फोर्थ पॉइंट है, रोजगार में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की रोजगार कार्यकाल, निवृत्ति के पश्चात लाभ आदि निश्चित होते हैं। फिर है रोजगार प्रारंभिक प्रवृत्ति, यानी दूसरों पर आधारित प्रवृत्ति होती है। सिक्स पॉइंट है, रोजगार में मालिक और कर्मचारी दोनों समझौते के अनुसार नियम पालन के लिए बंधे हुए होते हैं। और सातवां पॉइंट है, रोजगार प्राप्तकर्ता को कोई पूंजी विनियोग नहीं करनी पड़ती, बस उनको वहाँ पर सेवा देनी होती है, यानी जो शारीरिक और बौद्धिक श्रम होता है। अब है धंधा, व्यवसाय और रोजगार, इन तीनों के मध्य अंतर क्या होता है, यानी धंधा क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है और रोजगार क्या होता है। सबसे पहले कार्य का स्वरूप, धंधा, धंधे में क्या होता है, धन के बदले में ग्राहक को वस्तु और सेवा की पूर्ति की जाती है, यानी पैसे के बदले में लोगों को सेवा दी जाती है, वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं का भुगतान किया जाता है। व्यवसाय में क्या होता है, फीस के बदले में व्यक्तिगत और धंधे के रूप से, यानी बुद्धि के द्वारा, दिमाग के द्वारा, कौशल के द्वारा काम करके उसके सेवा दी जाती है और उसके बदले में फीस प्राप्त की जाती है। और रोजगार में एक समझौता होता है, नियम होता है, उसके अनुसार रहकर काम करना पड़ता है, उसके बदले में फीस प्राप्त होती है। फिर है योग्यता, अब धंधे में क्या योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धंधा खोल सकता है। और व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट ज्ञान आवश्यक, यानी डिग्री प्राप्त होना आवश्यक है। रोजगार में कार्य के प्रकार के अनुसार योग्य, यानी कौन सा कार्य है उसको, उस कार्य के अनुसार उसमें योग्यता होनी चाहिए। तीसरा है बदला या प्रतिफल, धंधे में लाभ प्राप्त होता है, धंधा किया इसीलिए जाता है लाभ की प्राप्ति के लिए, व्यवसाय में फीस प्राप्त होती है और रोजगार में वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ होता है। अब है पूंजी, चौथा, धंधे के स्वरूप और प्रकार के अनुरूप पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे धंधा बढ़ता है वैसे वैसे पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। व्यवसाय के अंतर्गत स्थापना के समय सीमित पूंजी की आवश्यकता, यानी कभी भी कोई भी, जैसे सीए वाला व्यक्ति है, वकील है, वो अपना एक ऑफिस खोल के बैठ जाता है, उस समय जो पैसा लगता है वो सीमित पूंजी होती है, उसके बाद उसमें बार बार पैसा नहीं लगता। और रोजगार में पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि नौकरी करनी है जाकर के। अब पांचवा पॉइंट है जोखिम, धंधे में लाभ की अनिश्चितता तथा जोखिम का तत्व नीत होता है, क्योंकि धंधा है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, यानी जोखिम होती है नीत। और व्यवसाय में निश्चित रकम की फीस न मिलने का, यानी जो उन्होंने जब निश्चित की हुई, या पास पास में दो क्लिनिक अगर खुले हुए होते हैं तो उनकी फीस में का जोखिमों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर कम रकम होती है लोग वहीं पर जाते हैं। और रोजगार में नियमित निश्चित वेतन प्राप्त होने से जोखिम कम होती है, क्योंकि वो एक फिक्स हो गया कि हमें ये महीने की सैलरी मिलने ही वाली, इसमें कोई जोखिम का सामना नहीं करना पड़ रहा। और छठा पॉइंट है आचार संहिता, धंधे में कानूनी नियमों का पालन करना
आवश्यक है, जबकि व्यवसाय में निश्चित की गई आचार संहिता का पालन यानी जो फिक्स कर दिया उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है, यानी डिग्री प्राप्त व्यक्ति ही काम कर सकता है। रोजगार में समझौते के द्वारा निश्चित किए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि समझौता शुरुआत में जब नौकरी मिली थी तभी उन्होंने अपने समझौते के अनुसार ही वेतन भी फिक्स किया था। मालिकी हित का परिवर्तन 7th पॉइंट है हमारा। इसमें धंधे में क्या है, मालिकी हित का परिवर्तन संभव है, यानी कभी भी कोई भी मालिक धंधा दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है, यानी वो बदल सकता है। और व्यवसाय में मालिकी हित का परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि डिग्री खुद की है, खुद ने ऑफिस खोला है, तो वो बदलाव भी नहीं किया जा सकता। और रोजगार में मालिकी अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो मालिक है ही नहीं, वो तो वैसे भी वहाँ पर जा कर के नौकरी कर रहा है। तो अभी हमने पढ़े धंधा, व्यवसाय और रोजगार, इन तीनों के अंतर को हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे धंधा के प्रवृत्तियों का वर्गीकरण क्या है। धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में कि व्यापार क्या होता है। लाभ के उद्देश्य से दो व्यक्तियों के मध्य वस्तु या सेवा के बदले में, वस्तु अथवा सेवा के बदले में या सेवा के बदले में धन में वस्तु या सेवा का विनिमय। लाभ के उद्देश्य से दो व्यक्तियों के बीच में वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा अथवा धन के बदले में वस्तु या सेवा विनिमय, वो होता है व्यापार। किस किस के मध्य, दो व्यक्तियों के बीच में होता है, वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा, या वस्तु या सेवा के बदले में धन के बदले में विनिमय। आप दुकानदार के पास से पुस्तक खरीदते हो, अर्थात पुस्तक की खरीदी के सामने धन भुगतान करते हो, अर्थात वस्तु के बदले में धन का विनिमय हुआ। अब ये तो हुआ हमारा वस्तु के बदले में धन का विनिमय। अब अगर मान लीजिए आप बस की टिकट खरीदकर बस में यात्रा करें, अर्थात धन के बदले में सेवा का विनिमय हुआ। ये था हमारा व्यापार। अब व्यापार के लक्षण क्या क्या है। व्यापार आर्थिक प्रवृत्ति है, यानी लोगों के द्वारा की गई प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। व्यापार में दो पक्षकार होते हैं, क्रेता और विक्रेता। इसमें खरीददार भी होता है और बेचने वाला भी होता है, तभी ये व्यापार संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। तीसरा पॉइंट है व्यापार के लिए विनिमय अनिवार्य। अब व्यापार है तो इसके लिए विनिमय भी करना पड़ता है, चाहे वो पैसों का विनिमय, वस्तु सेवाओं का विनिमय करो, चाहे वो फिर धन का विनिमय करो। चौथा पॉइंट है व्यापार से वस्तु या सेवा की मालिक का परिवर्तन भी होता है। अब जब जो व्यक्ति व्यापार करेगा तो वही व्यक्ति उस वस्तु का मालिक भी होता है। फोर्थ पॉइंट है व्यापार से वस्तु या सेवा की मालिकी का परिवर्तन होता है। पांचवा है वस्तु के बदले में धन या वस्तु से भुगतान किया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल में हमने पढ़ा भी था कि वस्तु के बदले में वस्तु सेवा देना, या फिर वस्तु के बदले में सेवा, या फिर सेवा के बदले में पैसा। अब है व्यापार लगातार चलने वाली प्रवृत्ति है। व्यापार क्या है, ऐसा तो नहीं कि एक बार व्यापार किया फिर वो रुक जाएगा। व्यापार ऐसी है कि आगे की ओर बढ़ता ही रहता है, चलने वाला है। फिर 7th पॉइंट है वस्तु या सेवा का मूल्य धन में निश्चित होना। अब जो वस्तु और सेवा है उसको जो व्यापार किया जाता है तो उसके बदले में क्या प्राप्त होता है, धन। 8वां पॉइंट है व्यापार कानूनन होने वाली प्रवृत्ति। व्यापार जब शुरू करते हैं तो वो बिना कानून के, बिना उसके नीति नियम के उल्लंघन करके नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसी प्रवृत्ति हुई, कानूनन प्रवृत्ति मानी जाती है। अब इसके प्रकार, व्यापार के प्रकार, व्यापार के 2 प्रकार हैं, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार। पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रकार। देश की सीमा में ही, मतलब देश की सीमा के अंदर रहकर ही अलग अलग विस्तार में होता व्यापार, वो होता है आंतरिक व्यापार। जैसे हम मान लीजिए कि भारत के अंदर ही, भारत हम जहाँ रह रहे हैं, अगर हम वहाँ से
अंदर के अंदर ही काम सामान भेजना लेना देना करते हैं, जैसे सूरत से अहमदाबाद, सूरत से वडोदरा, वडोदरा से सूरत, तो ये आंतरिक व्यापार कहलाए, क्योंकि अंदर के अंदर ही हम ये सब काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अहमदाबाद का व्यापारी कश्मीर से सेब की पेटियां खरीदे, नागपुर का व्यापारी राजकोट संतरे भिजवाए, अर्थात आंतरिक व्यापार ही कहलाता है, यानी सीमा के अंदर रहकर ही काम करना। वितरण की दृष्टि से आंतरिक व्यापार को भी दो भागों में बांटा, एक थोकबंद व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। थोकबंद व्यापार बड़े पैमाने पर उत्पादन के पास से माल खरीद कर फुटकर व्यापारी को उसकी आवश्यकता के अनुसार माल को बेचते हैं। थोकबंद व्यापारी माल के उत्पादन और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी है। सबसे पहले जो थोकबंद व्यापारी, वो कहाँ से, वो स्टॉक से, कंपनी से माल खरीद करके फुटकर लाते हैं दुकानों में, फिर वहाँ से थोकबंद वालों से, फिर जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो छोटी मोटी दुकान है, वो व्यापारी उनसे खरीदते हैं। यानी थोकबंद व्यापारी किसके बीच की कड़ी है, फुटकर व्यापारी और उत्पादन के बीच की कड़ी है थोकबंद व्यापारी। फुटकर व्यापारी में थोकबंद व्यापारी के पास से फुटकर व्यापारी माल खरीदते हैं और ग्राहकों को, फिर हम लोगों के पास, हम कहाँ से खरीदते हैं, फुटकर व्यापारी के पास से खरीदते हैं, फुटकर व्यापारी से, यानी ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार माल की पूर्ति करते हैं। अब है आंतरिक व्यापार। कोई भी दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी सीमा से बाहर जो व्यापार किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमा को पार करता है। उदाहरण, जापान की कंपनी भारत की व्यापारी को टेलीविजन बेचे या भारत से केसर आम यूएस भेजे जाए, तो ये क्या हुआ, एक सीमा से दूसरी सीमा में जाना, यानी होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार का समावेश होता है। ये तीन प्रकार के व्यापारों का समावेश भी इसके अंतर्गत होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य। वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाएं, जो व्यापार के साथ जो सेवाएं होती हैं वो, इन सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, वाहन व्यवहार, संदेश व्यवहार, गोदाम और आड़ती, आड़ती यानी दलाल, इन सब की सेवाओं का समावेश होता है। व्यापार की इन सहायक सेवाओं के कारण व्यापार की दृष्टि से विश्व एक बाजार बन गया है। इसके लाभ क्या क्या है, सबसे पहला है वाणिज्य सबने व्यापार का समावेश होता है, यानी वाणिज्य क्या होता है, वो भी एक व्यापार ही होता है। दूसरा, वाणिज्य ये भी व्यापार भी आर्थिक प्रवृत्ति के लिए किया जाता है। व्यापार के लिए सहायक हो ऐसी सहायक सेवाओं का समावेश इसके अंदर होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, वाहन व्यवहार आदि, ये किसके अंदर आता है, वाणिज्य व्यवहार के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है, वस्तु की समय स्थान उपयोगिता में वृद्धि करता है। पांचवा है, सहायक सेवाओं में निरंतरता होती है। सिक्स है, व्यापार की सेवा उचित मूल्य पर प्राप्त होती रहे, ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध की जा सकती है। अभी हम इन दोनों के बीच का अंतर पढ़ेंगे, व्यापार और वाणिज्य के अंतर। अर्थ, सबसे पहले अर्थ यानी व्यापार क्या होता है। व्यापार में धन के बदले में वस्तु और सेवा को देना, लेन देन किया जाता है, विनिमय यानी लेन देन किया जाता है। जबकि वाणिज्य में क्या होता है, वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त सहायक सेवाओं का समावेश भी होता है, जैसे बैंकिंग वगैरह। फिर कार्य क्षेत्र, व्यापार का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि वाणिज्य और कार्य क्षेत्र विशाल होता है। वाणिज्य में व्यापार का समावेश होता है तो इसका ये अधिक विशाल होता है। तीसरा, पक्षकार, व्यापार में दोनों पक्षकार लगभग एक दूसरे से परिचित यानी जानकार होते हैं, क्योंकि पास में ही होते हैं, नज़दीक होते हैं। और वाणिज्य में दोनों स्तर काफ़ी दूर होने से अपरिचित होते हैं और उनकी सहायक सेवा उनके द्वारा यानी बैंकों के द्वारा या अलग सेवाओं, डाक की सेवाएं द्वारा ही व्यापार किया जा सकता है, यानी इनमें ऐसा नहीं होता। अब है उद्योग। अब मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल पर विविध प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन करके तुष्टिगुण में वृद्धि करने की प्रक्रिया अर्थात उद्योग। उदाहरण, लकड़ी से फर्नीचर का उत्पादन, कपास से कपड़े का उत्पादन, ये कहलाता है हमारा उद्योग, यानी कच्चे माल से परिवर्तित करके पक्के माल यानी तैयार माल बनाना।
वर्गीकरण उद्योग के लक्षणों में उत्पादन, आर्थिक प्रवृत्ति, कच्चे माल के स्वरूप में परिवर्तन, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, दृष्टिकोण में वृद्धि, इसके अतिरिक्त मानव श्रम, प्राकृतिक संपत्ति और यांत्रिक साधनों का उपयोग आदि का समावेश भी होता है। वर्गीकरण प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीय, इन तीन उद्योगों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, यह उद्योग मूलभूत उद्योग होते हैं, समुद्र भूमि हवा के साथ जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहकर उत्पादन प्रवृत्ति की जाती है, यानी इसकी इसका आधार क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर रहती है, उनके अनुसार इनका उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि पर कृषि, पशुपालन, मुर्गी बतख पालन, समुद्र से संबंधित मत्स्य, यानी कृषि कैसे करेंगे, भूमि पर रहकर, यानी ये कैसे प्राकृतिक उद्योग है, तो ये प्रकृति पर निर्भर रहकर ही अपना व्यवसाय करते उद्योग करते हैं। दूसरा है गौण उद्योग, विविध प्रकार के यंत्र और टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है, प्राकृतिक संपत्ति गौण उद्योग, विविध प्रकार के यंत्रों और टेक्नोलॉजी की सहायता इसमें ली जाती है, प्राकृतिक संपत्ति को उपयोगी बनाकर ग्राहकों तक पहुंचे, इस दौरान की जाने वाली प्रकृति अर्थात गौण उद्योग, खाद्य उद्योग, रंग और रसायन उद्योग, स्टील उद्योग आदि। ये उद्योग ऐसे हैं जो गौण उद्योग कहलाते हैं, यानी इनके अंतर्गत यंत्र और टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है, उसके जरिए ही ये उद्योग आगे बढ़ाए जाते हैं। तीसरा है तृतीय उद्योग, विशाल तृतीय उद्योग, ये बहुत बड़ा होता है, काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ होता है, प्राथमिक और गौण उद्योग की सहायता और सेवा देने के अलावा ग्राहकों के बहुत पास होते हैं। ये प्राथमिक और गौण उद्योग द्वारा दो उत्पादन किया जाता है, यानी दोनों का मिक्सअप होता है तृतीय उद्योग, उस उद्योग पर विविध प्रक्रिया के द्वारा ग्राहकों के लिए अधिक उपयोग उपभोग योग्य बनाया जाता है, जैसे डेयरी उद्योग, शीतल पेय उद्योग, बेकरी उद्योग, इन्हें सब इन सबके द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें उत्पादन संबंधी चीज वस्तुएं बनाई जाती है। तृतीय उद्योग में वाहन व्यवहार, बैंक, बीमा, गोदाम, आड़ती यानी दलाल, सूचना संचार आदि सेवाओं का भी इसमें समावेश किया जाता है। कृषि के द्वारा अनाज, उदाहरण गेहूं का उत्पादन किया जाए, ये प्राथमिक उद्योग है, ये होता है गेहूं का उत्पादन किया तो प्राथमिक उद्योग हुआ, लेकिन गेहूं में से आटा तैयार करने का उद्योग ये गौण है। मैदे में से ब्रेड, पाव, बिस्किट उत्पादन अर्थात ये फिर क्या हुआ, बड़ा विशाल उद्योग हुआ, यानी ये हो गया फिर तृतीयक उद्योग। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आज हमने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की कि व्यवसाय क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त की कि रोजगार क्या होता है, और तीनों को हमने अंतर भी देखे, धंधा, व्यवसाय और रोजगार, इन तीनों में क्या अंतर होता है। इसके बाद में हमने धंधा के प्रवृत्ति पढ़ी, जिसमें तीन होती है, वाणिज्य, व्यवसाय, व्यापार वाणिज्य और उद्योग। अब ये व्यापार को भी दो भागों में बांटा गया था, व्यापार को भी आंतरिक और बाह्य, फिर आया आंतरिक व्यापार में भी आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात, ये तीनों का समावेश होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा वाणिज्य व्यापार, यानी वाणिज्य और व्यापार, इन दोनों में जो अंतर होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने उद्योग पढ़ा, उद्योग में तीन प्रकार के उद्योग होते हैं, प्राथमिक, गौण और तृतीयक, इन सबकी संपूर्ण जानकारी ली। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, और कुछ भी जो नहीं समझ में आता है उससे आप हमको ये पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, बाय। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय एवरीवन।